दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर काफ़ी सारे एक्सचेंज ऑफर्स तो हमेशा चलते रहते हैं दोस्तों। स्मार्टफोन्स के ऊपर खासतौर से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं अगर आप कोई पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैसे आप दोस्तों एक्सचेंज कर सकते हैं अपने पुराने स्मार्टफोन को काफ़ी अच्छे प्राइस में। दोस्तों जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस का। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर हमेशा ही कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स ऑफर वगैरह चलते ही रहते हैं और अभी भी दोस्तों यहाँ पे कुछ डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं स्मार्टफोन्स के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों मोस्ट पॉपुलर ऑफर जो था अभी लास्ट सेल में वो था सैमसंग गलेक्सी S7 और वहाँ पर दोस्तों एक्सचेंज ऑफर मिल रहा था यहाँ पर एक्स्ट्रा 3000 का। और अभी दोस्तों जो एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है दोस्तों 5000 रुपये का एक्सचेंज है, जो आपकी रेगुलर एक्सचेंज वैल्यू है उसके ऊपर से दोस्तों 5000 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको अगर कोई भी आप डिवाइस एक्सचेंज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली मेरा फ़ोन है दोस्तों OnePlus 3T, जिस फ़ोन में दोस्तों ये फ्लिपकार्ट की ऐप यूज़ कर रहा हूँ। अगर सीधे सीधे दोस्तों इसको एक्सचेंज करूँगा तो मुझे मिलेंगे 14,540 रुपये और इसके ठीक नीचे ऑप्शन मिलेगा रन टेस्ट, और जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे टच करेंगे तो दोस्तों एक टेस्ट रन हो जाएगा छोटा सा। दोस्तों यहाँ पर आपके फ़ोन को चेक करेगा GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर कैमरा, रियर कैमरा, जितने भी दोस्तों यहाँ पे फीचर्स हैं या फिर हार्ड बटन्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों साथ में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उन्हें फॉलो करते जाइएगा और पूरा टेस्ट आप दोस्तों यहाँ पर रन कर पाएंगे बहुत आसानी से। और जब दोस्तों टेस्ट कम्प्लीट होगा तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छे पैसे और मिल जाएंगे आपके पुराने वाले स्मार्टफोन के। दोस्तों देखते हैं अब कितना प्राइस मिलेगा मेरे फ़ोन का। दोस्तों यहाँ पर जो मिल रहे थे दोस्तों 14,540 रुपये तो वो हो गए दोस्तों 16,810 रुपये। और यहाँ पर भी दोस्तों एक माइक वाला टेस्ट था दोस्तों, वो पूरा नहीं हो पाया, हो सकता है कुछ और पैसे और मिल जाते। लेकिन दोस्तों अब बाकी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर टेस्ट अगेन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब जो पैसे देने पड़ेंगे दोस्तों 3,280 रुपये मुझे देने पड़ेंगे अगर मैं खरीदता हूँ सैमसंग गलेक्सी S7। दोस्तों बाकी देख लेते हैं कोई और मॉडल दोस्तों अगर आपको एक्सचेंज करना है तो रेगुलर दोस्तों एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी, उसके बाद दोस्तों आपको एक्सचेंज ऑफर मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है आपका सैमसंग गलेक्सी A5 2016 मॉडल। दोस्तों 11,500 रुपये का फोन एक्सचेंज हो रहा है और नए फोन की प्राइस है दोस्तों यहाँ पर करीब 13,000 या 14,000 रुपये। और दोस्तों हो सकता है A5 2016 में ही दोस्तों फ्लिपकार्ट की ऐप में इंस्टॉल करता, उसके बाद रन टेस्ट करता तो मुझे कुछ और पैसे अच्छे मिल जाते इस फोन के। दोस्तों यही था आज के वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए लेके आता रहता हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, कोई सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।